ये दो प्राचीन शहरों और उन पेड़ों की कहानी है जिन्होंने उनकी नियति निर्धारित की। 3000 ईसा पूर्व में उरक आधुनिक न्यूयॉर्क शहर की तुलना में अधिक घनी आबादी वाला था। इस भीड़भाड़ वाली राजधानी को अपनी बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए अपनी सिंचाई प्रणाली का लगातार विस्तार करना पड़ा। 2500 साल बाद श्रीलंका में अनुराधापुरा शहर में भी ऐसी ही समस्या थी, वो भी लगातार बढ़ रहे थे और उरक की तरह उनका शहर भी व्यापक सिंचाई प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर था। जैसे जैसे उरक बड़ा हुआ, इसके किसानों ने अधिक फसलों के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हालांकि अनुराधापुरा में पेड़ पवित्र थे, उनके शहर में बोधि वृक्ष की एक शाखा थी जिसके नीचे कहा जाता है कि बुद्ध को स्वयं ज्ञान प्राप्त हुआ था। धार्मिक श्रद्धा ने किसानों की गति को धीमा कर दिया और यहां तक कि शहर को शहरी पार्कों में और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। शुरू में उरक के विस्तार ने अच्छा काम किया, लेकिन पानी की आपूर्ति को फिल्टर करने के लिए पेड़ों के बिना उरक की सिंचाई प्रणाली दूषित हो गई। वाष्पित होने वाले पानी ने खनिज भंडार छोड़ दिया, जिससे मिट्टी खेती के लिए बहुत अधिक नमकीन हो गई। इसके विपरीत अनुराधापुरा की सिंचाई प्रणाली को आसपास के जंगल के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंततः उनके शहर की आबादी उरक की तुलना में दोगुनी हो गई और आज भी अनुराधापुरा 2000 साल पहले लगाए गए एक पेड़ की देखभाल करता है। हम प्रकृति को हमारे शहरी संस्थानों से अनसंबद्ध मानते हैं, लेकिन पेड़ हमेशा सफल शहरों का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। पेड़ एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, जो तूफान के पानी को वापस वायुमंडल में छोड़ने से पहले उसे सोख लेते हैं। उनकी जड़ों के जाल मिट्टी को पानी बनाए रखने और विषाक्त पदार्थों को छानने देते हुए भूस्खलन से बचाते हैं। जड़ें बाढ़ को रोकने में मदद करती हैं और स्टॉर्म ड्रेन और जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता को कम करती हैं। उनकी झरझरी पत्तियां कार्बन और अन्य प्रदूषकों को रोककर हवा साफ करती हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जरूरी हो जाते हैं। मानवता सदियों से इन वृक्षीय लाभों को उजागर कर रही है, लेकिन पेड़ सिर्फ शहर के बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वे अपने नागरिकों के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1870 के दशक में मैनहट्टन में द्वीप के पार्कों के बाहर कुछ पेड़ थे। छाया प्रदान करने के लिए पेड़ों के बिना जानलेवा गर्मी की लहरों के दौरान इमारतें 9 गुना अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं। उस अवधि के खराब स्वच्छता मानकों के साथ दमनकारी गर्मी ने शहर को हैजा जैसे बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बना दिया। आधुनिक हांगकांग में ऊंची गगनचुंबी इमारतें और भूमिगत बुनियादी ढांचे के कारण पेड़ों का बढ़ना मुश्किल हो गया। ये शहर की खतरनाक रूप से खराब वायु गुणवत्ता में योगदान देता है, जिससे ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो सकती है। पेड़ पौधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। शोध से संकेत मिलता है कि हरे पत्तों की उपस्थिति से ध्यान बढ़ता है और तनाव का स्तर कम होता है। ये भी दिखाया गया है कि ईंट की दीवारों के दृश्य वाले अस्पताल के मरीज पेड़ों के दृश्य वाले मरीजों की तुलना में अधिक धीरे ठीक होते हैं। सौभाग्य से कई शहर इस तरह के दृश्यों से भरे हुए हैं और ये कोई संयोग नहीं है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शहर के योजनाकारों ने शहरी पेड़ों के महत्व को अपनाना शुरू कर दिया था। 1733 में कर्नल जेम्स ओग्लेथॉप ने जॉर्जिया के सवाना शहर की योजना बनाई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मोहल्ला पार्क से 2 मिनट की पैदल दूरी से अधिक ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोपेनहेगन ने 5 धमनियों के साथ सभी नए विकास को निर्देशित किया, प्रत्येक एक पार्क के बीच स्थित था। इस लेआउट ने प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति शहर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया। और शहरी पेड़ सिर्फ लोगों को फायदा नहीं पहुंचाते। पोर्टलैंड का फॉरेस्ट पार्क क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षित करता है, जिससे शहर विभिन्न स्थानीय पौधों, 112 पक्षी प्रजातियों और स्तनधारियों की 62 प्रजातियों का घर बन गया है। सिंगापुर से अधिक कोई शहर पेड़ों के प्रति इतना प्रतिबद्ध नहीं है। 1967 के बाद से सिंगापुर की सरकार ने 1.2 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं, जिनमें 50 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर उद्यानों के भीतर के पेड़ भी शामिल हैं, जिन्हें सुपर ट्री कहा जाता है। ये संरचनाएं सौर ऊर्जा और एकत्रित वर्षा जल से अपना और आसपास के कंजर्वेटरियों का भरण पोषण करती हैं। पेड़ और वनस्पति वर्तमान में सिंगापुर के 50% से अधिक भूभाग को कवर करते हैं, जिससे एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम हो जाती है और कम प्रदूषण वाले परिवहन को बढ़ावा मिलता है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया के 65% से अधिक लोग शहरों में रहेंगे। शहर के योजनाकार पर्यावरण अनुकूल नींव रख सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों पर निर्भर है जो इन शहरी जंगलों में रहते हैं, कि वो इंसानों के अलावा भी जानवरों के लिए घर बनाएं।
हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।